अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आने वाला टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल आ रहा होता है, स्टैप से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ रहा होता है, और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, और वैसे फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर 3 का, वहाँ पे भी आपने पढ़ा हुआ है। नहीं याद भूले हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री इन बाय सर असवंद, केमिस्ट्री इन बाय असवंद यार, और उस पर पुरानी वीडियोज़ में जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखें, आनी चाहिए आपको। तो खैर, आते हैं टॉपिक पे, आइडेंटिफाई ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई आपको दे देंगे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, कहेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले से लिखी हुई है, और फिर उसकी मदद से ग्रुप ब्लॉक और पीरियड आइडेंटिफाई करो। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ब्लॉक सबसे आसान होता है, देखो कोई एलिमेंट चार ब्लॉक्स हो सकते हैं सिर्फ, एस पी डी एफ। कॉन्फ़िगरेशन करी आपने, जब कॉन्फ़िगरेशन की तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी। जैसे इसमें कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है पी पे, पी ऑर्बिटल पे, इसमें कहाँ हो रही है एस पे एंड हो रही है, इसमें कहाँ हो रही है डी पे एंड हो रही है, इसमें कहाँ हो रही है डी पे एंड हो रही है, इसमें कहाँ हो रही है डी पे एंड हो रही है ना। तो अब जिस भी ऑर्बिटल पे कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है एलिमेंट का ब्लॉक वही होता है। अब जैसे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन पी पे एंड हो रही है तो इस एलिमेंट का ब्लॉक क्या है पी, इजी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंड हो रही है एस पे, तो इसका ब्लॉक क्या होगा एस, सही है बेटे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंड हो रही है डी पे, डी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंड हो रही है डी पे, तो ब्लॉक डी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी डी पे एंड, तो ब्लॉक डी। ब्लॉक कैसे निकालते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा एलिमेंट का ब्लॉक वही होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। नाउ पीरियड, पीरियड सीख लेते हैं, ग्रुप सबसे लास्ट में जाएंगे। पीरियड के लिए देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है ना, उसमें ये वाला जो नंबर होता है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल। ये पी या एस या डी ऑर्बिटल होते हैं, और ये जो ऊपर 2, 3 लिखते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब पीरियड निकालना है तो क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हाईएस्ट शेल नंबर देख लो, जो हाईएस्ट होगा वही एलिमेंट का क्या होगा पीरियड। इसमें हाईएस्ट कितना है 3, तो पीरियड क्या हो गया 3rd। ठीक है बेटे, इसमें हाईएस्ट कितना है 4, तो पीरियड क्या हो गया भाई 4th। इसमें हाईएस्ट कितना है 3 नहीं है हाईएस्ट, 4 हाईएस्ट है। पता चले लास्ट ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट ऑर्बिटल देखते हैं, पीरियड निकालने के लिए लास्ट ऑर्बिटल नहीं देखते, कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट शेल नंबर देखते हैं। इसमें हाईएस्ट शेल नंबर कितना है 4, तो बेटे पीरियड 4th। इसमें कितना है 4, तो पीरियड 4th। इसमें कितना है 5, तो पीरियड क्या हो गया इसका 5th। इज इट क्लियर, ओके। नाउ ग्रुप, ग्रुप निकालने के लिए पहली चीज, अगर आप जा रहे हैं कि भाई असल तरीका क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे आप डायरेक्टली ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रुप निकालने के लिए बेटे आपने करना ये होगा कि सीखते चले, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी पी ऑर्बिटल में जाए तो पी और उससे पहले वाले एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर लो, ग्रुप पता चल जाए। लास्ट पी में गया, P में कितने 3, S में कितने 2, दोनों को प्लस कर लो, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 8। ठीक है, आसान। अगर P में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो P और S के इलेक्ट्रॉन्स प्लस करें, अगर S में जा रहा है कोई प्लस प्लस नहीं होगा, सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन गिनोगे कितने 1, तो ग्रुप क्या हो गया 1। ठीक है, लेकिन अगर D में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो D और उससे पहले वाला जो S ऑर्बिटल है उन दोनों के इलेक्ट्रॉन प्लस कर लो, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, लेकिन यहां होगा B। याद रखना अगर S या P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो उनका सब ग्रुप A होता है, और D या F ब्लॉक के अगर एलिमेंट्स होते हैं तो उनका सब ग्रुप B होता है, D ब्लॉक था तो B लगेगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, लास्ट D है तो D और उससे पहले वाले S को प्लस कर लो, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 भी कोई ग्रुप नहीं होता, 10 भी होता नहीं है, तो ये भी किस में जाएगा 8B में, 8B।
ठीक है बेटा, 2+8 10 होता है, 10B ग्रुप नहीं होता, तो इसीलिए ये भी किस में जाएगा, 8B में, भूलना नहीं है। ठीक है, आ जाओ, 48 डी ब्लॉक है, तो डी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन प्लस करो, 10+2 कितने होते हैं, 12 भी कोई नहीं होता। याद रखना, जब डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है तब कभी भी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये 2B। ठीक है, तो देखो एस और पी बड़े सिंपल है, डी थोड़ी सी परेशानियां करता है पैदा। एस में क्या याद रखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, एलिमेंट एस ब्लॉक का है, तो सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन गिनो, लास्ट पी में जा रहा है, पी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर। लेकिन अगर डी में जाता है तो डी और उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को एस के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर डी फुलफिल है तो डी के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ऑर्बिटल आर कंसीडर। और अगर डी के सम, डी और एस का सम जो है वो 8 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो 8B में ही रहता है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मजीद और छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि फिर हम इस टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लें। कुछ बातें यहाँ पर और हैं जो कि क्लियर होना ज़रूरी है। एक सवाल, हाँ पहले एक सवाल जो जहन में आता है वो आता है, सर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कैसे पता चले। तो बड़ा आसान है, एफ ब्लॉक का यहाँ पे लिख देते हैं ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पहली बात पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में नहीं आते, लेकिन अगर ग्रुप पूछा हुआ है तो एफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन की आपने, ब्लॉक एफ आ गया, तो आपने बिला झिझक कह देना है ग्रुप क्या है उसका, 3B। कौन सा ग्रुप है, 3B। कुछ प्लस नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आ रहा है, सीधी सी बात कह दो कि ग्रुप कौन सा है, 3B। क्लियर हो रही है बात। अच्छा जी, एक आपको एग्जांपल में बता दूं जरा और, ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए। लेट्स से एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 35। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, 35 होगा, 10, 12, 18, 20, 30, 35। ब्लॉक क्या होगा बेटे इसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया, पी में, तो ब्लॉक पी। पीरियड, हाईएस्ट शेल नंबर कितना है, 4, पीरियड 4। ग्रुप क्या सिखाया है अभी, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करते हैं, पी में 5 हैं, एस में कितने हैं, 2, 5+2 7। बाज मासूम बच्चे कहते हैं, सर बीच में डी भी तो आ गया, आने दो उसको, देख क्यों रहे हो। बताया है कि अगर लास्ट पी में जाएगा तो पी और उससे पहले वाला एस प्लस होगा, बस डी आए एफ आए उसे कंसीडर नहीं करते, और वैसे भी डी पूरा भरा हुआ है, व्हेन डी ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, यहाँ क्या सिखाया, इट इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है बेटे, तो ग्रुप क्या हो गया, 7। ए लगेगा, बी, ए लगेगा क्योंकि पी ब्लॉक है, अभी बताया ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले सब ग्रुप ए में होते हैं, डी और एफ वाले सब ग्रुप बी में होते हैं। अच्छा एक चीज, बाज दफा एटॉमिक नंबर नहीं देंगे आपको, ये लास्ट बात बता देता हूँ ताकि फिर ये बात हमारी कंप्लीट हो जाए। बाज दफा एटॉमिक नंबर देते ही नहीं है आपको, ये दे देंगे, देखें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देंगे, ये दिया हुआ है, कहते हैं ग्रुप ब्लॉक पीरियड बताएं, आसान हो गया बेटे काम, कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी, जस्ट ये है, ये लास्ट ऑर्बिटल है, ये वैलेंस ऑर्बिटल है इसका, बताओ ब्लॉक क्या होगा, बड़ा आसान काम है, बताओ ब्लॉक क्या होगा बेटे, ब्लॉक होगा एस, लास्ट ऑर्बिटल है ना, वैलेंस ऑर्बिटल एस, तो ब्लॉक एस। अब एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या होगा, वन। ठीक है ना, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो क्या सिखाया है मैंने, सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, एक है, वन। पीरियड क्या होगा बेटे, हाईएस्ट शेल नंबर इसमें एक ही है, वो 5 है, तो पीरियड क्या होगा, 5th। क्लियर हुई ये बात। अच्छा जी, इसी तरह में आपको हमने एक एग्जाम्पल और दी दिए, 4s2 3d7, ये दिया हुआ है। ठीक है बेटे, आपसे कहा है बताएं, आपने कहा सर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ब्लॉक डी, ठीक, हाईएस्ट शेल नंबर 4 तो पीरियड 4th,
ठीक है भाई, ग्रुप निकालना है, डी में अगर लास्ट जाता है तो डी के साथ एस को भी प्लस कर लेते हैं। 7 + 2 कितना होता है? 9 तो होता ही नहीं है ग्रुप, क्या करोगे? 8 ए लगाऊं बी? बी, क्योंकि ब्लॉक कौन सा है? बी। दैट्स इट। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ग्रुप ब्लॉक पीरियड निकालना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहें, जो कि ज़्यादातर कहते हैं, तो आप लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसे दे दें वो, तो आपको पहचानना है। एक बार समराइज कर रहा हूँ, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल देन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, ठीक है। और ग्रुप निकालने के लिए क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिनोगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो एलिमेंट का ब्लॉक क्या हो गया? पी। और ग्रुप निकालने के लिए पी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करोगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो एलिमेंट का ब्लॉक क्या हो गया? डी। ग्रुप निकालने के लिए डी और उससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे? प्लस करोगे। लेकिन कब? डी कंसीडर नहीं होता जब डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो। जब डी फुलफिल हो तो डी कंसीडर नहीं होगा बेटे, ठीक है। और लास्ट बात क्या बताई थी आपको? लास्ट बात आपको बेटे ये बताई गई थी कि अगर एलिमेंट का ब्लॉक आ गया एफ, तो फिर ग्रुप के लिए कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रुप क्या होगा? 3B। पीरियड के बारे में क्या बताया था? हाईएस्ट शेल नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लास्ट वाला नहीं, हाईएस्ट वाला। हाईएस्ट 4 था तो पीरियड क्या हो गया? 4। हाईएस्ट बेटे 5 था तो पीरियड क्या हो गया? 5th। दैट्स इट। दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, नहीं आती, पुरानी वीडियोस चैनल पे मौजूद हैं, वहाँ से देख लो। बाकी चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक ये मामला चल रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको रिव्यू कराते रहें, रिवाइज कराते रहें कुछ छोटे छोटे टॉपिक, खास तौर पे वो टॉपिक जो कि पेपर में आते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया अगेन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।